का स्कूल है और उसके यहाँ बाहर आप हालात देख सकते हैं। बच्चों को बहुत दिक्कत होती है, कल तक पानी में लेके गए बच्चों को, पड़ गए होते उसमें। तो मैं आज से नहीं, कम से कम 15 साल से देख रहा हूँ, आज तक बना नहीं है। शुरू से ऐसा ही है, आज कौन सा नया हुआ है। यहाँ पे बहुत ज्यादा पानी भरा हुआ था, यहाँ पे ना जूते ड्रेस वगैरह सारी चीज गीली। हम जब घर जा रहे थे ना उस दिन, हमारे घुटनों तक यहाँ तक पानी था, हमारी सारी कॉपीज भी भीग गई। फिर हमने वापस सारा अपने सब्जेक्ट का काम किया, क्योंकि यहाँ बारिश जब होती है तो बहुत ज़्यादा पानी लग जाते हैं, हमारे ड्रेस बहुत खराब हो जाते हैं, गंदे हो जाते हैं। तो अभी हम बिजवासन विधानसभा में मौजूद हैं। जैसे कि हमारे पीछे सरकारी स्कूल है जिसमें लड़कियां पढ़ती हैं, और वहां के हालात आप देख सकते हैं कि वहां पर कितना पानी भरा हुआ है। अभी 2 बजने वाले हैं और स्कूल की छुट्टी होने वाली है। यहां पर जो स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उनके घर वाले भी खड़े हैं, ये उनसे जानते हैं कि यहां की जो स्थिति है वो कितने साल से ऐसी है। ऐसे पानी भरा तो है, मतलब मेन रोड से यहाँ तक पूरा ऐसे ही रहता है, हमेशा ऐसे ही रहता है। बहुत दिक्कत होती है, कल तो इतने पानी में लेके गए बच्चों को, पड़ गए होते इसमें जी। हाँ, ऐसे ही रहता है, ऐसे रहता है यहाँ। और पीछे बॉयज स्कूल है, वहाँ की भी ऐसी स्थिति है। जो नॉर्मल व्हीकल होता है, मतलब जो आवाजाही है, उनमें भी दिक्कत होती होगी लोगों को निकालने में। दिक्कत होती है, जब इतना दिक्कत हो रखी है तो सबको दिक्कत होती है। यहाँ पे रिक्शे आते हैं, रिक्शे वाले भी बता रहे कि उनके रिक्शे भी जाम हो जाते हैं। तो पानी अब तो बहुत भर जाता है पानी, ऐसे निकालना भारी। अभी तो बरसात हुई है, बाद में यहाँ पे कीड़े मच्छर होंगे तो बच्चे यहीं जाएंगे, तो बीमारियाँ भी जा रही है साथ साथ, बहुत जा रही है। ये बीमारी तो कंटिन्यू है मैम, यहाँ पे हमेशा रहता है। ये रोड तो मैं आज से नहीं, कम से कम 15 साल से देख रहा हूँ, आज तक बना नहीं है। 15 साल से ऐसा ही है जी, ऐसे है। जो यहाँ के विधायक हैं जून जी, भूपेंद्र सिंह जून, तो उनके द्वारा जो 2.5 साल उनका कार्यकाल खत्म हो गया, उसमें कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ, देख लो अभी 2-3 दिन से पहले ये खुदाई हुई है, साइड साइड में बिल्कुल जंगल टाइप का था ये। और बच्चों के भी छुट्टी होगा 2 मिनट पहले, देख लेना बाद में। आगे जाके यहाँ पे हॉस्पिटल भी है और रेलवे स्टेशन भी है, और मेन रोड का मतलब मेन रोड से यहाँ तक पूरी स्थिति ये ऐसी ही है। बिल्कुल, बच्चों को इतनी दिक्कत होती है और इससे कितनी गंदगी, बीमारियाँ, हर चीज फैलती है। शुरू से ऐसा ही है, आज कौन सा नया हुआ है, शुरू से ऐसा ही है। अच्छा, तो हमेशा स्थिति यही रहती है। अब यहाँ कीड़े ऐसा ही है, ये तो आज भी गिरा है, नहीं तो ये भी नहीं था। बिल बच्चा ऐसे ही पड़ा रहता था, हमेशा आते थे, बारिश में इतना हेला पानी हो जाता है, बर्फ घुस घुस के आते थे बच्चे को लेने के लिए। ये स्कूल में प्रशासन, यही मेन रास्ता है लड़कियों के निकलने का जी, ये मेन रास्ता। मैं सुबह रजिस्ट्रेशन की फीस जमा करने आया था, जब तक नहीं हुई मिट्टी, मैं 9:30 बजे आया था, उसके बाद गिरी होगी, ये पहला नहीं थी मिट्टी, पहले मिट्टी। हाँ, तो बच्चों को ऐसे निकल के जाना। हाँ, बच्चे तो परसों गिर भी गए थे जी। मैंने बच्चों को, लड़के भी आ रहे थे इधर से, लड़कों को प्रेरण करा, जब लिकड़ी आई लड़की, हो जाते हैं गिरते पड़ते, उसी बोता में कहो गिर जाए बच्चे, ऐसे होता है। मैं वार्ड अध्यक्ष हूं फिलहाल आम आदमी पार्टी से, धीरज राणा मेरा नाम है। तो यहाँ पे लोग बता रहे हैं कि काम नहीं हो रहा है। नहीं, काम काम तो हो रहा है, काम की ऐसी बात नहीं है। कंट्रोवर्सी है थोड़ी सी रोड के ऊपर पैमाइश की, इसलिए इसका काम नहीं हो पा रहा है। हमने काम चालू कर दिया 2 दिन पहले, ज़्यादा बारिश आई थी तो इसी से वाटर लॉगिंग हुई है यहाँ पर। उसके आप देख सकते हैं, आप सामने कैमरा जूम करके दिखा दो कि हम यहाँ पर लगे हुए हैं बच्चों की सुविधा के लिए। आज दिन में ही बारिश थी, कल भी बारिश थी। तो बारिश तो होती है, बारिश तो होती ही रहेगी, लेकिन इसका निकास तो होना चाहिए। देखो, निकास ये नीचा है उधर ऊंचा है, इसमें हम लगे हुए हैं, टेंडरिस रोड का हो चुका है, सिविल लाइन इसमें डलेगी, पूरा प्रॉपर होगा। क्योंकि थोड़ा रेलवे का थोड़ा सा इशू चल रहा है कि यहाँ जंक्शन बन रहा है, उसकी वजह से यहाँ पर हम पैस फंड नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि जंक्शन शायद इसको रिक्वायरमेंट करे, स्कूल को ट्रांसफर करे, यहाँ से कुछ करे, रेलवे अपने अधिकारी अपने हिसाब से लगे हुए हैं यहाँ पर। दिक्कत हो रही है बहुत ज़्यादा, बच्चे हमारे चले जाते हैं, हम यहाँ ढूंढते रहते हैं बच्चों को। आप देख सकते हैं वहाँ पीछे छोटी सी बच्ची खड़ी है, ये कॉलेज स्कूल वाले कह रहे हैं कि हमने यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे काम हो जाएगा, शाम तक काम हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, हम मलबा डालते हैं और कह रहे हैं कि यहाँ काम हम बच्चों के लिए व्यवस्था निकलने की कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि दिल्ली सरकार कितना काम कर रही है बच्चों के लिए। 2 दिन पहले यहाँ पे बहुत ज्यादा पानी भरा था, बाइक से छोड़ते थे अंदर तक पापा, हम तो पानी में ही आए थे जी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ था, यहाँ पे ना जूते ड्रेस वगैरह सारी चीज़ गीली है। यहाँ पे बच्चे बता रहे हैं कि पहले और ऊपर तक पानी था, यहाँ तक बिल्कुल ही पानी था, हम लोग जा नहीं पाते थे। हम जब घर जा रहे थे ना उस दिन, हमारे घुटनों तक यहाँ तक पानी था, हमारी सारी कॉपीज भी भीग गई। फिर हमने वापस सारा अपने सब्जेक्ट का काम किया,
सारा सब भीग गया तो हमने सारे वापस अपना सारे सब्जेक्ट का काम किया था। फिर हमने अपने टीचर से बोला, उन्होंने बोला कोई बात नहीं अभी तो कुछ दिन बारिश ही रहती है तो ऐसे ही रहेगा, ये नहीं बोला कि हम ठीक करा देंगे यहाँ से काम हो जाएगा, ऐसा तो कुछ नहीं बोला यहाँ पे, कुछ बोला। हाँ ऐसे ही रहता है, भीड़ रहती है हमेशा। जो अभी तो पानी यहाँ पे बहुत सूख गया है, अभी दो दिन पहले जब बरसात हुई थी तब ज़्यादा पानी भरा था तो दिक्कत हो। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये बाहर की जो रोड है वो बढ़िया से बनवा दें, क्योंकि यहाँ बारिश जब होती है तो बहुत ज़्यादा पानी लग जाते हैं, हमारे ड्रेस बहुत ख़राब हो जाते हैं, गंदे हो जाते हैं। इस हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे स्कूल के जो रोड्स हैं वो अच्छे से बने, और यहाँ पर पानी बहुत भर जाता है, ड्रेसेस ख़राब हो जाते हैं। मैं अभी गिर गई थी परसों मैम, यहाँ पर मेरे गोदों पर मैम यहाँ पर भी लग गई थी, तो मैम पापा सरकार से कुछ कहना चाहेंगे कि स्कूल के सामने ऐसे हालात हैं तो काम। मैं सरकार को ये कहना चाहती हूँ कि ऐसे किसी के साथ ना हो, किसी के सर भी लग जाए, किसी के चोट वोट ऐसा ना हो। मैं सबको कहना चाहती हूँ कि बच्चे हमारे सर की जैसे ही है, सर को भी कहना चाहिए कि बच्चे को भी ना होए और किसी को कुछ ना होए, ना तो किसी के सर भी फूट सकता है, हमेशा ऐसे ही रहता है ना। यस मैम हमेशा ऐसे टाइम पे होता है, तो मैम सर देखते हैं, मैम भी देखते, तो मैम को देखना चाहिए। ड्रेस गंदी होती है तो स्कूल में टीचर्स बोलते नहीं है? मैम तो कुछ भी नहीं कहती मैम, तो ड्रेस को चेंज करके जाते तो मैम भाई भी खड़ा कर देते मैम। तो आपने ये नहीं बोला कि यहाँ पे जब ऐसा हालात है यहाँ पे पानी भर जाता तो हमारी ड्रेस गंदी होगी? तो मैम कुछ भी नहीं कहते, हम घर के कपड़े में चले जाएंगे मैम, हमको बाहर खड़ा कर देते क्लासों से। तो आपने देखा, मैं आके स्कूल के बच्चों ने ही, छोटे छोटे बच्चों ने बताया कि यहाँ पे क्या स्थिति रहती है, यहाँ घुटनों तक पानी भर जाता है, और जो टीचर्स हैं वो भी ये कह देते हैं, ये कह के अपना पल्ला झाड़ लेते हैं कि कुछ दिन में काम हो जाएगा, या कुछ जवाब ही नहीं देते हैं। आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें नेशनल लाइव। मैं आपके साथ अर्शी राजपूत, कैमरा पर्सन दीक्षा के साथ।